नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि इसके पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए उस पर जो कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आए हैं, दे आर वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। एंड सेकंड, आज फिर मैं हिंदी में कविता लिखी हुई है, मैं वही पेश करना चाहूंगी क्योंकि हम साल के अंत में आ गए हैं। सो योर एंड इज देयर एंड एवरीबडी वांट्स दैट बाय द टाइम न्यू ईयर कम्स You don't have unfinished businesses or unresolved conflicts with people who have been important to you. So, on similar lines, there is one poem that I have written. It focuses on what the heart actually wants to say when you are in a fight. Okay. So, जैसे कि ये video है, आप देख रहे हैं एकदम, मतलब मैं बैठी हूँ with my back straight and clean, beautiful background. But इस video frame के परे जो मेरे कमरे की हालत है वो मेरी सच्चाई है। वैसे ही जब हम लड़ते हैं या जब किसी से अनबन हो जाती है तो कोई इंसान अभिमान का शिकार बन जाता है, कोई स्वाभिमान से बंधी हो जाता है, बट हम कभी वो नहीं बोलते जो हमें एक्चुअली बोलना चाहिए। ओके, तो ये उसी के बारे में होगी मेरी कविता। मैं पढ़ना चाहूंगी अब कविता क्योंकि थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए इतना सारा याद रखना। नाम तो मैंने कुछ दिया नहीं है इस कविता को, कोई परफेक्ट नाम मुझे सोच नहीं रहा है, तो देखते हैं। अब आप सुनिए, आप ही कमेंट कीजिए कि क्या नाम दूं मैं इस कविता को। ठीक है। बोराया मन, ना कुछ भूला ना किया जतन, मजबूरन तुझे और मुझे तोला है, बौखलाया मन मेरा वैसे तो भूला है, अहंकार का अस्तित्व ही नीच, बांधी डोर बिन बात चली खींच, आधे बने वस्त्र खो गई सिलाई की सुई, आधे बने वस्त्र खो गई सिलाई की सुई, क्षणिक नाराजगी यू क्रोध में घुली हुई, मैं तो मैं ही हूं, तुझमें भी कोई बदलाव दिखा तो नहीं है यू, वही है आज भी पनघट की डगर, कठिन अब वो हो चली मगर, श्रृंगार केवल 16 आगे उसके कलह, मधुर संगीत से लुभाए संघर्ष के साए, अब ना ताल रहा ना मेल, रोजाना जीत से हारा हुआ खेल, तोड़े ना टूटेगा कुछ ऐसा तेरे मेरे बीच भी है, संभालो तो संभलेगा हर बंधन की ये रीत सी है, जब बात दिल की हो, जब बात दिल की हो तो ना दी जाए ऐसी कोई मुआफी नहीं, एक खोई सुई हल्का सा बहका स्वाभिमान तुझे मुझे तोड़ने के लिए काफी नहीं। थैंक यू। आई होप ये पोएम आप यूज करें, टैग करें उन लोगों को जिनसे आप माफी मांगना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन की बात इतने आसानी से नहीं कही जा सकती, या फिर जस्ट गेट अप एंड गो एंड सॉर्ट इट आउट एंड जस्ट फिक्स इट एंड एंटर न्यू ईयर विद एवरीवन दैट्स इंपॉर्टेंट टू यू अराउंड यू। सो या आई होप यू एंजॉयड इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि वही मेरी एनकरेजमेंट है, फ्रेंकली वही है मेरी एनकरेजमेंट टू प्रेजेंट इट। लिखने के लिए तो मुझे एनकरेजमेंट नहीं चाहिए, वो तो मैं लिखती रहती हूँ, बट प्रेजेंट करने के लिए आपकी ही तारीफें हैं जो मुझे एनकरेज करते हैं। सो कीप गोइंग एंड होप ये लास्ट मंथ एकदम धूम से जाए आपका और न्यू ईयर को आप एकदम जोश एंड प्यार एंड हैप्पीनेस के साथ वेलकम करो। बाय बाय।